प्रणाम। जय जिनेंद्र। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जूम पर जूम बैक हो चुका है, आ चुके हैं, और फेसबुक के लाइव के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी भावधारा, आज की हमारी भक्ति यात्रा, श्री भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग, सुपर पावर एनर्जी हीलिंग डे नंबर 6 को। तो आप सबसे अनुरोध है कि दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद और पंच परमेष्ठी के ध्यान से पंच परमेष्ठी का शरणा लेते लेते जीवन के अंदर मधुरता की, खुशी की, हेल्थ की और हैप्पीनेस की मिठास आए और जीवन में हर प्रकार की उन्नति और प्रगति को हम सब दादा आदिनाथ की भक्ति के साथ साथ प्राप्त करें। इस भावना से नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवई मंगलम्, पढ़मं हवई मंगलम्। ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ सुविदि शीतल श्रेयांस वासु पूज्य विमल आनंद धर्म शांति कुंतु अर मल्लि मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व वर्धमानंता जिनः शांतः शांतिम करा भवतु स्वाहा। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरी वांछित फल दाता, मनुवांछित फल दाता, अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे अरहम मैया अमरतपो, अरहम मैया अमरतपो, अरहम मैया अमरतपो। देव गुरु और धर्म का शरणा लेते लेते सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को मत्यणम वंदा में भाव से करते करते गुरु गौतम स्वामी की अनंत लब्धि, अनंत करुणा, माँ सरस्वती की सिद्धि और माँ सरस्वती का लख लूट आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इस भावना के साथ चलिए आज का हमारा क्लास यानी कि सुपर पावर भक्तामर हीलिंग का डे नंबर 6 हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी भावधारा में, और जिसमें कल हमने सीखा था, जाना था कि पहले तो भक्तामर हीलिंग क्यों, जो डे 5 तक हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, कंटिन्यूअसली मैंने बोला है, आपने सुना है, एक्सेप्ट किया है, अनुभूत किया है। अब धीरे धीरे मैं आपकी भी बारी लेने वाली हूँ। ऐसे नहीं सोचना है कि खाली टीचर बोलते रहेंगे, पूजा बहन का तो बोलने का काम है, हम तो स्टूडेंट है, शांति से आएंगे, बैठेंगे, लिखेंगे और चले जाएंगे। ना ना, आपका भी टर्न आएगा। कल से हम 3 दिन लगातार सिंबल्स का अनुभव करेंगे, सिंबल्स के साथ जुड़ेंगे, और फर्स्ट डे से लेके आज तक हमने जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, उसका छोटा छोटा क्वेश्चनरीज भी होगा। सो बी रेडी, मैंने जितना पढ़ाया है उसके वीडियोस चाहे तो बार 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 आप देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल जैन हीलर पूजा शाह के चैनल के ऊपर भी ये सारे वीडियोज अवेलेबल है, फेसबुक पर भी अवेलेबल है। तो खास 6 दिनों तक का पूरा रिविजन आप सबको करके कल रेडी होके आना है। कल क्वेश्चनर्स के साथ हम सेल्फ हीलिंग सीखने वाले हैं। तो हमने डे 5 तक में सीखा है चक्रास, ऑरा का साइंस, तत्वों का साइंस, और कैसे सब कुछ चीजों को हम बैलेंस करके एक बैलेंस्ड एनर्जी अपने आप को दे सकते हैं, ये हमने बातों को सीखा है। भक्तामर महास्तोत्र की अगर बात करें तो हमने गाथा नंबर 30 तक के प्रयोग, उसका जो डिवाइन पावर है, बैकएंड में छिपा हुआ पावर है, वो हमने देखा है। बट हाउ टू यूज दैट पावर,
आज भी मैं आपको खाली गाथा के बारे में ही बताऊंगी कि इस गाथा का ये उपयोग है और इस गाथा का ये उपयोग है, पर उस उपयोग को करना कैसे है? उपयोग तो पता चल गया, नमक तो खरीद लिया, बट नमक कितना कहाँ पर कैसे डालना है सब्जी के अंदर, दाल के अंदर, रोटी के अंदर, वो भी तो पता होना चाहिए। तो 3 दिन लगातार, कल से लेके 3 डेज आपको क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि यही 3 दिन मुख्य है जहाँ पर सिंबल्स की बहुत सारी बातें होंगी, सिंबल का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। और जैसे कि कल मैंने आपको ग्रुप्स के अंदर श्री जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र ऑलरेडी दे दिया है, अभी भी आपके पास अगर ये यंत्र नहीं पहुंचा है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आज फिर से ग्रुप में मैं फिर से अपलोड करूंगी और इस यंत्र का प्रिंट निकाल के कल से आपको आपके सामने रेडी रखना है। कलर प्रिंट निकाल के इसको लेमिनेशन करवा लीजिए। ये यंत्र के साथ साथ जब भी आप हीलिंग करेंगे तब ये आपको बहुत ज्यादा पावर देने वाला यंत्र है। तो जरूर श्री जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र का प्रिंट निकालें, लेमिनेशन करवा के कल से क्लास के अंदर अपने साथ लेकर के आप बैठेंगे, क्योंकि अभी के नेक्स्ट 3 डेज बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि रियल में इफ यू वांट टू टेल योरसेल्फ अ भक्तामर हीलर, सच में उस भक्तामर हीलिंग का पावर आपको अनुभूत करना है, सबसे पहले खुद के लिए और फिर पूरी पृथ्वी के लिए। तो नेक्स्ट 3 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हीलर के तौर पे हमें चक्रा ऑरा का साइंस जो पता होना चाहिए साइंटिफिकली, वो अब आपको सबको आता है। और कल टेस्ट भी तो है, तो देखेंगे कि कहाँ पर कौन कितना मेरे से सुना है और कितना एक्सेप्ट किया है। तो ये तो है ही है, पर साथ साथ में अभी के नेक्स्ट 3 डेज आपको रोज सिंबल के साथ साथ यंत्र और कैसे आपको जीवन में उसकी अनुभूति करनी है उसकी टिप्स देंगे। यहाँ पर श्वेता जी लिख रहे हैं कि मैम अभी पॉसिबल नहीं है प्रिंट आउट निकलवाना। इट्स ओके श्वेता जी, तो फिर अगर आप कहीं पर ऐसी सिचुएशन में है जहाँ प्रिंट आउट निकलवाना का अलाउ नहीं मिल रहा है, आपको योग नहीं हो रहा है, तो मोबाइल के अंदर उस यंत्र को कल से खुला रखेंगे, क्योंकि मोबाइल सॉरी यंत्र के साथ उस एनर्जी का, सिंबल का कनेक्शन। और अंतिम दिवस पर संडे को जब हम अट्यूनमेंट करेंगे तो अट्यूनमेंट में भी ये सिंबल और ये आपको यंत्र साथ में चाहिए। सो खास 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 मैक्सिमम लोगों को जोड़ते हुए, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक से भी, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग ऑन द फेसबुक। सो कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। आप अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स जरूर फेसबुक पर लिख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है कमेंट के अंदर लिखिए। और जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ दादा का जयकारा करते हुए चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं कि भक्तामर महामंत्र, भक्तामर हीलिंग और भक्तामर महास्तोत्र के साथ हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल अनुभूति लास्ट 1.5 साल के अंदर मैक्सिमम लोगों को हुई है। जिनको नहीं हुई है, इट इज नॉट लेट, इट इज द करेक्ट टाइम। आप भक्तामर स्तोत्र का खाली एक एक शब्द याद करना शुरू करो, वो डिवाइन पावर आपको मैसेज देना, वो डिवाइन पावर आपको गाइडेंस देना 100% शुरू करेगा। तो हम सीख रहे थे और समझ रहे थे कि मैजिकल मंत्रास जो हमारे जैनिज्म के अंदर इतने अच्छे अच्छे मंत्रास दिए हुए हैं, शाश्वतो मंत्र एटले के आपड़ो नमस्कार महामंत्र, अने एवो आ नवकार मंत्र, उसके साथ साथ बहुत सारे नव स्मरण के अंदर मंत्रोच्चार है। हर एक सूत्र, आप लोगस सूत्र के बारे में सोचो, 7 लाख के बारे में सोचो, अनर्थ सूत्र के बारे में सोचो, एक एक सूत्र के पीछे बहुत गंभीर राज छुपा हुआ है। जब उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं, कभी सौभाग्य मिला, कभी मौका मिला, तो जरूर मैं लाइव के माध्यम से भी कुछ टीचिंग्स शुरू करूंगी। पर जो मंत्रास है, मंत्रास के पीछे एक चमत्कार है, एक मिरेकल है, और वो मैजिकल पावर हमारे फुल बॉडी के ऊपर, हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर काम करता है। सबसे पहले दिन पर हमने देखा कि मंत्रा मैजिक हाउ इट वर्क्स ऑन माइंड,
Yesterday we have seen that mantra magic on our body, and today for which we are doing all this sadhana. ये भक्तामर हीलिंग मैंने जब बनाया, at that time my feeling was कि आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के साथ जीवन में अगर कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य हो, जीवन में कुछ हमें अनुभूत करने का लक्ष्य हो, तो वो हमारा आत्मा ऑटोमेटिक कर्मों की निर्जरा करते 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 प्राप्त करवाना शुरू करता है. और वो ही कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि मंत्रा मैजिक ऑन आवर सोल. सोल मतलब कि हमारा आत्मा. हम जानते हैं, हम बोलते हैं बहुत बार कि हमारा जो आत्मा है वो अनंत साइकिल में से, बर्थ एंड लाइफ, बर्थ एंड डेथ, ये पूरी साइकिल में से चलते 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 पास ऑन होते होते आया है. सबसे पहले तो हम लोग जैन हैं. द फर्स्ट प्राउड मोमेंट कि जैन होना अपने आप में ही एक गर्व की, एक प्राउड की बात है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है पंच परमेष्ठी की दिव्य ऊर्जा. जैसे ही हमारा जन्म होता है जैन शासन के अंदर, एक बोलते हैं ना, जैन शासन 50 साल आगे बढ़ जाता है कोई भी एक नया संतान जन्म लेता है तो. बुद्धि सागर सुरेश्वर जी बहुत खुश होते थे. ये दृष्टांत आपने बहुत बार सुना होगा लाइफ के अंदर निकुंज गुरु जी के माध्यम से. तो तब क्या है कि बुद्धि सागर सुरेश्वर जी जब देखते थे कि एक नए बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो तुरंत बोलते थे कि आज फिर से मेरा जैन शासन और 50 साल आगे चल गया. मतलब कि जो एक आत्मा जैन धर्म के अंदर, जैन शासन के अंदर जब जन्म लेता है, तो उसके मोस्टली कर्म का साइकिल खत्म हो चुका रहता है. क्योंकि जब अलग 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 धर्मों में आप बहुत गंभीर, बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं करते हो, और फिर जब आप बर्थ एंड डेथ की लाइफ साइकिल में जाते जाते कर्म जब आपके समापन होने की स्थिति आती है, तब जैन शासन मिलता है. सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि वाह, बाय बर्थ वी आर जैन. और अगर हम बाय बर्थ जैन नहीं भी है, फिर भी इतने कितने दृष्टांत है, कितने हमने देखे हैं, मेरे कितने इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि जिन लोगों ने नॉन जैन होने के बावजूद भी आत्मा की साधना करते करते जैन धर्म का जो रियल एसेंस है वो प्राप्त किया है. बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तामर हीलर है कि जो बेटी चाहे ब्राह्मण की है, बेटी चाहे वैष्णव की है, पर अभी भक्तामर की इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, इतना दिल से लागणी से वो भक्ति करते हैं कि रियल में उनको दादा आदिनाथ की ऊर्जा प्राप्त होती है. मतलब हमारा धर्म कैसा धर्म है, कोई नात जात का धर्म नहीं है. हमारा धर्म है हमारी आत्मा का धर्म, हमारी सोल का धर्म. और व्हेन वी डू सम ऑफ द मंत्र जाप, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा सोल धीरे धीरे एनलाइटन होना, यानी कि हमारी आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है. सबसे पहला और जो खास 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 जरूरी है वो है कि व्हेन वी डू एनी ऑफ द मंत्र जाप, इट हेल्प्स अस टू मेडिटेट वेरी वेल. बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि मेडिटेशन में मेरे से ध्यान नहीं हो पाता है, और तब मैं जवाब देती हूँ कि बहन आप रोज करो, धीरे धीरे आपका मेडिटेशन पक्का होगा. ध्यान पक्का होने का मतलब क्या है कि आप खाली एक सेकंड के लिए आंख बंद करो और वो ज्योति, वो परम तत्व आपको यहाँ पर दिखे. तो वो कब होता है कि धीरे धीरे जब प्योरिफिकेशन होता है, धीरे धीरे जब हमारा सोल का जो कार्मिक वर्गणाएं हैं वो कम होती है, हमारे अंदर के राग द्वेष मोह माया ये सारे धीरे धीरे, सारी लेशियाएं कम होती जाती है, एट दैट टाइम हमारा आत्मा उन्नति के शिखर को प्राप्त करना शुरू करता है. सो फॉर द फर्स्ट थिंग कि मंत्र जाप जब हम करते हैं, इट रियली हेल्प्स अस वेरी वेल टू मेडिटेट. कि जब हम फोकस करते हैं एक जाप के ऊपर, एक शक्ति के ऊपर, या फिर जैसे आप मेरे साथ मेडिटेशन कर रहे हो तो मैं कहीं कहीं पर म्यूजिक बजाती हूँ, कहीं कहीं पर मैं कुछ गाइडेड वर्ड्स बोलती हूँ,
अभी मेरे साथ रियली भगवान की कृपा है कि मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, तो मेरी पूरी टीम के साथ हम लोग जब मंत्रोच्चार करते हैं तो तब क्या है, तब एक्चुअली हम सब एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं और हमारा माइंड जो इधर उधर भटकता है वहां से हम हमारे माइंड को क्या करते हैं, ले लेते हैं कि भाई तुम्हें ध्यान करना है, आज वासु पूज्य स्वामी जी भगवान का जाप है तो तुम्हें मन के अंदर मुड़ना या कैसे वासु पूज्य स्वामी जी भगवान को देखना है। मतलब क्या हुआ कि हमारा माइंड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इधर उधर जाने से रुक गया। सो दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी नाइस इफेक्ट की हेल्प होती है मेडिटेशन के लिए। मंत्रास आर ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रिज विच हेल्प्स द मेडिटेटर टू रीच टू द हाईएस्ट लेवल। हमें पहुंचना कहाँ है, हमने बहुत बार सुना लाइफ के अंदर, बहुत बार बोला कि हमारा साधन है, हमारा एक लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, पर वो मोक्ष प्राप्ति क्या ऐसे ही बैठे बैठे बोलते बोलते हो जाएगी। मैं रोज आऊं लाइफ में और रोज बोलूं हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, इससे ना तो मेरी मोक्ष प्राप्ति होगी ना तो आपकी होगी। हम सबकी मोक्ष प्राप्ति या फिर उस मोक्ष मार्ग के ऊपर हमारा मंडाण कब शुरू होगा कि जब हम रियल में आत्मिक उन्नति के सामने, आत्मिक उन्नति के पथ पर डग भरेंगे और हमारा इनर कॉन्शियसनेस जागृत होगा। और इनर कॉन्शियसनेस तभी जागृत होता है जब हम मंत्रों के आलंबन के साथ फोकस करना, मेडिटेट करना शुरू करते हैं। भले धीरे धीरे, आप ज्यादा लंबा में तो बोलते नहीं हो किसी को कि आधा घंटा ध्यान करो, नो, खाली 3 मिनट। 3 मिनट भी लंबा लगता है कोई बात नहीं, 1 मिनट ओनली, फॉर 1 मिनट यू स्टार्ट फोकसिंग, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन ओमकार। सबसे पहला प्रणव बीज मंत्र, और जो मुख्य मंत्र बोला गया है पूरी पृथ्वी का, जो जिसको रचियन बोला गया है वैसा मंत्र, यानी कि ओमकार। खाली 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र में ओम की आकृति देखना शुरू करो। मन के अंदर सतत बोलो ओम ओम ओम। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो प्योरिफिकेशन का पावर आपके अंदर आना शुरू होगा। आप ऑटोमेटिक हर प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा इसमें से दूर होना शुरू हो जाओगे। दैट यू विल फील। And the correct mantra meditation will open many doors of success to achieve our dreams. Because हम लोग क्या है? तो हम लोग सामाजिक भौतिक प्राणी हैं। हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं। आपके भी बहुत सारे ख्वाब होंगे, मेरे भी बहुत सारे अलग 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 क्षेत्रों के अंदर ख्वाब है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे कुछ अचीव करना है, यहाँ पर मुझे सोशल सर्विस करनी है, इस लेवल पर मुझे कुछ XYZ मॉनिटरी गेन करना है। हर एक इंसान के ख्वाब रहते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर जब हमारे उस ख्वाब तक, उस गोल तक, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, तब हमारे पास करेक्ट वे में एक मंत्र होना चाहिए। और वो मंत्र के ऊपर जब हम मेडिटेट करना शुरू करते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। हमारा संकल्प, कल मैं सिखाऊंगी संकल्प क्या होता है और कैसे लेना चाहिए, तो हमारा संकल्प परिपूर्ण होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको आपकी ऑरा के बारे में पता चला, चक्रास के बारे में पता चल गया, तत्वास के बारे में पता चल गया, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्कैनिंग करवाने के लिए डेफिनेटली यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और साथ साथ में कौन सा मंत्र जाप आपके लिए उत्तम फलदायी है वो भी एनर्जी के माध्यम से जानने के लिए आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अब मोस्टली सभी के पास है। तो आगे बढ़ते हुए कि दूसरा जो इफेक्ट है मंत्र जाप का ऑन आवर सोल, दैट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द सुप्रीम बीइंग, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा। ऐसा एक परम तत्व, परम प्लस आत्मा, आत्मा मतलब सोल और परम मतलब जो जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, न आदि न अंत। तो ऐसे परमात्मा यानी कि सुप्रीम बीइंग, और वो सुप्रीम बीइंग के साथ
जब हमारा स्पिरिचुअल कोड कनेक्ट होता है, हम सबके साथ एक कोड चलते हैं, आगे कभी बात करेंगे सिल्वर गोल्डन एंड डायमंड कोड के बारे में, तो हमारे साथ एक ऐसा कोड चलता है जिस स्ट्रिंग के माध्यम से, जिस कोड के माध्यम से हमारा कनेक्शन उस डिवाइन पावर के साथ होता है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें खुद को दिखता है, तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ फेथ। आपको आदिनाथ भगवान के ऊपर फेथ आ रहा है, मतलब कि श्रद्धा बैठ रही है, सतत जाप करो, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, या फिर कोई मंत्र उठा लीजिए, ओम रे मरम श्री आदिनाथाय नमः, ओम रे मरम श्री आदिनाथाय नमः, चलते चलते मन के अंदर सोते सोते 3 बार 5 बार 12 बार खाली बोलना है। कोई इसमें माला लेकर आपको नहीं बैठना है, जब मंत्र जाप के फॉर्मेट में चीज कर रहे तब की बात अलग है, पर व्हेन यू वांट कि मेरे पास खाली टाइम है, मैं 5 मिनट के लिए एकदम फ्री बैठा हूँ, तो बस मन में बोलो ना, ओम रे मरम श्री आदिनाथाय नमः। नवकार मंत्र बोलना है तो असिया उषा, खाली असिया उषा शब्द के पीछे पूरे पंच परमेश्वर की एनर्जी छिपी हुई है, बोलते रहो मन के अंदर असिया उषा असिया उषा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन यू नो इनॉर्मस डिफरेंट वेज, इट विल ओपन द विंग्स ऑफ योर यू नो न्यू थॉट्स, क्योंकि हमारे पास विचार बहुत है, बट उस विचार को साकार करने की पंख कहीं ना कहीं मिस होती है, हम कहीं ना कहीं चीजों को ऐसे सोचते रहते कि यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। एट दैट टाइम इफ यू वांट टू ओपन योर विंग्स, यू कैन हैव दिस असिया उषा मंत्र। तो द पावर ऑफ द फेथ, कि जहां पर वो सुप्रीम बीइंग कुछ इंटरवेंशन करेगा, वो परमात्मा जब हमें ऊर्जा देगा, तब हमारे जीवन में सच में एक अलग वातावरण बनेगा। और बहुत सारे ऐसे मंत्र है हमारे पास, तो नवकार मंत्र द बेस्ट एवर मंत्र है, कि जिसके माध्यम से हम मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे कौन है, अल्पा बेन, शायद भावनगर वाले, आई एम नॉट श्योर, हाँ अल्पा बेन ही है, उन्होंने 1.25 लाख महामंत्र नवकार गिनने का और 1.25 लाख भक्ता मंत्र गिनने का पच्चकान लिया है। मतलब सोचो वो कितनी अपने कर्मों के निर्जरा कर रहे हैं। आपसे जितना हो सके पच्चकान लेके करो, बहुत अच्छा है। चलो पच्चकान लेके भी आपसे नहीं होता है, एटलीस्ट डेली रूटीन में चीजों को तो ले आओ। 3 टाइम्स में नवकार मंत्र गिनूंगा, 9 टाइम्स गिनूंगा, छोटा छोटा नंबर से शुरू करो, ऑटोमेटिक आप 108 तक पहुंच जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। एंड दैट इज रियल रियल पावर ऑफ हमारा मोक्षा की तरफ प्रयाण होने का मंत्र जाप। एंड जो भी मंत्र जाप, जो भी मंत्रोच्चार हम करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, गुरु भगवंतों से लेते हैं, लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्टिवनेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो हर एक मंत्र कहीं ना कहीं हमें देता है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। अब ये प्रॉस्पेरिटी मॉनिटरी भी हो सकती है, ये प्रॉस्पेरिटी हेल्थ की भी हो सकती है, और ये प्रॉस्पेरिटी खुशी की, अनंत आनंद, किसी की सेवा करके मजा आया तो बस दैट इज प्रॉस्पेरिटी। एक अलग सेटिस्फेक्शन आया, किसी को मदद किया तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आई, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। आपके सारे अवयव ठीक है, पंचेंद्रिय से आप पूर्ण हो, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। आप अच्छे से बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप अपनी बात को रख पा रहे हो, दैट इज इवन अ प्रॉस्पेरिटी। जस्ट ओपन योर आईज किड्स, देयर आर सो मेनी प्रॉस्पेरिटीज अराउंड यू, बट हमने क्या किया है पता है, हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, ये तो हम बोल देते हैं, बट प्रॉस्पेरस का मतलब हम निकालते हैं पैसा, मॉनिटरी मॉनिटरी। हाँ चाहिए 100% करोड़पति सबको बनना है, पर वो करोड़ों की इनकम भी कैसी होनी चाहिए, तो नीतिमत्ता के मार्ग वाली, पुण्य लक्ष्मी के मार्ग वाली, ना कि किसी को चीट करते हुए, ना कि किसी को धोखा दे के आगे निकलते हुए। तो मंत्र जाप गिव्स अस द हैप्पीनेस एंड ऑल राउंड 360 डिग्री प्रॉस्पेरिटी, एंड इट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ बैड सिचुएशंस। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारे कर्मास तो ऐसे है कि हमें उसका फल भी तो भुगतना ही पड़ता है, और बात भी सही है, कर्मों की साइकिल तो है ही हमारे साथ,
तो क्या हम हमारा जो भी नकारात्मक होता है या कुछ बैड होता है हमारे साथ, समथिंग हैपन्स नो समटाइम एवरीडे वी आर लिविंग, सो एट दैट टाइम क्या पॉसिबल है कि मंत्र जाप से हम उसको रोक दें? तो यहाँ पर मेरा आंसर है क्लियर नो. आपको भी एज अ हीलर, आपके पास भी कोई लोग आए कि बहन मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरा कुछ कर्म की वजह से है, मेरे इस कर्म को रोक दीजिए, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के बोल देना मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से आपका ये काम नहीं होगा, आपको चाहिए तो भगवान की भक्ति करो. रीजन बिहाइंड दैट कि कोई भी हमारा बैड कर्मा या फिर जो हमारे सोल के साथ, जिस लेसन को हमारे सोल को इस बर्थ में सीखना है वो सीखना ही है, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है. पर आपका क्वेश्चन होगा फिर आप इतना क्यों बोलते हो, आप क्यों इतना बोलते हो भक्तामर करो भक्तामर करो मंत्र जाप करो, हमें तो अपना बैड तो भुगतना ही है तो फिर भुगतेंगे, है ना? पर यहाँ पर मेरा आंसर है कि नहीं, जितना ज्यादा आप भक्ति करते हो, जितना ज्यादा आप भक्तामर के साथ, वसग्गहरम के साथ, ऋषि मंडल स्तोत्र का पूरा एक सीरीज लेकर मैं आने वाली हूँ, तो ऋषि मंडल स्तोत्र के साथ जैसे जैसे आप लीन होते जाते हो, उसके अंदर जुड़ते जाते हो, एक्चुअली क्या होता है कि पहला कर्म निर्जरा तो होता ही है, सही बात. दूसरा चीज जो होता है कि जो भी हमारे साथ बैड सिचुएशन होने वाली है या फिर घटित तो हो रही है राइट नाउ, तो उसको सहन करने का जो पावर है वो हमारे अंदर बढ़ जाता है ताकि हम टूट नहीं जाते. कितने ऐसे केसेस आते हैं कि मार्क्स कम आए और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को रूम में बंद कर दिया, किसी ने कुछ छोटी सी चीज लेने को मना कर दिया और बच्चा रूठ के घर छोड़ के चला गया. ये सब क्या है? सर वैसे देखा जाए तो ये करुणता है हमारी सोसाइटी की. तो ये करुणता ऐसी सारी कुछ सिचुएशंस के सामने झझुमने की ताकत मंत्र जाप से मिलती है. मंत्र जापा द बैड सिचुएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल सकती कि हीलिंग से मैं आपके कर्म काट दूंगी, गलत है, मैं कर ही नहीं सकती, वो तो मैं मेरा भी नहीं कर सकती. सो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड बट इट्स इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड और इट कैन बी द लॉस विच एवर वेर एवर द एरिया, फीलिंग्स के फॉर्म में, मॉनिटरी फॉर्म में, अपनी हेल्थ के फॉर्म में जो लॉस होना है वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे अंदर से वो विल पावर जनरेट हो जाता है कि जिसके माध्यम से हम जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि जैसे आप देख सकते हो पांच उंगली मेरे भी एक जैसी नहीं है, किसी की भी एक जैसी नहीं होती है, एक उंगली बहुत छोटी है, एक उंगली बहुत बड़ी है, एक उंगली मीडियम है, मतलब जैसे पांच उंगली भी या फिर मेरे 10 खुद के ही 10 फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं है राइट. मैं बोलूँ मेरा ये थंब और ये थंब दोनों का एक जैसा ही प्रिंट आउट है, नहीं है, रॉन्ग है. तो अगर ह्यूमन बीइंग का, भगवान की रचना देखो, 10 उंगलियां तो दे दी, उसका भी साइज शेप अलग दिया, साथ साथ में फिंगरप्रिंट्स उसका भी साइज शेप अलग दिया, उसके अंदर रेखाएं, अंक अंक ज्योतिष के साथ साथ जब हम हस्त ज्योतिष देखते हैं, रेखाओं का साइंस पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि ये एक एक रेखा के पीछे भी भेद छुपा हुआ है. हमारी लाइफ कैसी जाएगी, कैसे जीवन में आगे हम बढ़ सकते हैं, ये सारे हमें आलंबन मिलते जाते हैं. तो एट दैट टाइम क्या हुआ कि जो लॉस होना है, जो भी चीजें हैं वो मिनिमलिस्टिक होती जाती है, एक जैसी किसी के भी साथ नहीं होती है. और इसीलिए जब कोई हीलिंग करता है या हीलिंग लेता है, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपका ट्रस्ट फुल होना चाहिए भगवान के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, और दूसरा चीज अंदर से विलिंगनेस कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ. ये विलिंगनेस जब है तब हर प्रकार की हीलिंग बहुत 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 काम करती है. सो मंत्र जाप बहुत हमारे जीवन में इफेक्टिव रहते हैं. और वैसा ही एक पूरा रिचुअल लेके मैं आई हूँ आज कि जिसमें हमें किसके लिए सोचना है. तो सबसे पहला चीज, पहला नंबर हमें हमारे लिए सोचना है, मतलब मैं स्वस्थ हूँ. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन लिखेंगे आप सब, फर्स्ट लाइन मैं
स्वस्थ हूँ। सेकेंड लाइन, मेरा परिवार स्वस्थ है। माई फैमिली इज हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा परिवार स्वस्थ है। तीसरी लाइन, हेलो अंजना बेन, एम आई ऑडिबल? अनुपमा बेन, ओके ओके ठीक है। पहला लाइन, मैं स्वस्थ हूँ। दूसरा लाइन, मेरा परिवार स्वस्थ है। तीसरा लाइन, मेरा बिल्डिंग और मेरा आस पड़ोस के सभी लोग स्वस्थ है। क्योंकि पहले हमारे बिल्डिंग को, हमारे अड़ोस पड़ोस को हमें स्वस्थता का तरंग देना है, तो मेरा बिल्डिंग, मेरे आस पड़ोस के लोग स्वस्थ है। चौथी लाइन, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स स्वस्थ है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स स्वस्थ है। नेक्स्ट लाइन, मेरे संघ के सभी साधु साध्वी जी भगवंत और मेरा संघ स्वस्थ है। जो भी आप, जिस भी संघ को बिलोंग करते हो, आप जिस भी साधु साध्वी जी भगवंत के साथ उनको इष्ट गुरुदेव मानते हो, मेरा संघ और सभी साधु साध्वी जी भगवंत स्वस्थ है। मेरा सिटी, स्टेट एंड कंट्री इज हेल्दी। मेरा शहर, राज्य और भारत देश स्वस्थ है। और अंतिम लाइन पूरे ब्रह्मांड की, हम बोलते हैं अणु परमाणु शिव बनी जाओ अने आखा विश्व नु मंगल थाओ। हमारी भावना क्या है? मांगलिक होना, मंगल होना सभी का। तो हम स्वस्थता भी किसके लिए चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो अब अंतिम लाइन लिखेंगे, पूरा विश्व स्वस्थ है। अब ये लाइन हमने क्यों लिखी? ये लाइंस आपको लिख लेनी है एक नॉर्मल पेपर पर और आपके नजर के सामने लगा देनी है। अब इससे क्या फायदा होगा? तो पहले तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप बहुत हेल्दी और हैप्पी रहना एकदम शुरू कर देंगे। ये पहला फायदा हो जाएगा। और दूसरा फायदा, अब मैं जो आपको पूरा मंत्र जाप सिखाने वाली हूँ, मंत्र तो सबको आते हैं, नवकार मंत्र और उवसग्रम ही है, और कुछ नया नहीं है, पर वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए उस पावर को पूरे वर्ल्ड में हमें पहुंचाना है, खाली अपने लिए सीमित नहीं रखना है। तो उसके लिए ये पूरा एक रिचुअल है। यू कैन नोट डाउन, आइदर यू कैन क्लिक दी फोटोग्राफ। मैं पूरा एक रिचुअल बोल के आपको सुना दे रही हूँ। तो ये जो हमने, मैंने अभी 8 लाइंस आपको लिखवाई, ये सारी लाइंस, ये हो गई आपकी विश, आपका संकल्प। और ये संकल्प को आपको अब एनर्जाइज करना है विद द वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस रिचुअल। That is 9 times नमस्कार महामंत्र, 9 times नवकार मंत्र हो गया। उसके बाद गाथा नंबर फर्स्ट, भक्ता हमारा प्रणतम औली मणि प्रभाणा 6 times, 6 बार आपको गाथा नंबर फर्स्ट बोलनी है। और ये प्रश्न बहुत कॉमनली आता है कि रुद्धि मंत्र के साथ बोले कि रुद्धि मंत्र के बिना बोले। तो जनरली अगर आपने रुद्धि मंत्र गुरुदेव से लिए हैं, गुरु महाराज साहेब से, सर्वविरतिधारी साधु साध्वी जी भगवंत के माध्यम से अगर आपने मंत्रोच्चार का उच्चारण किया है, तब आप जरूर रुद्धि मंत्र बोलिए। अगर आपने रुद्धि मंत्र उनसे लिए नहीं है, तो अशुद्ध उच्चारण ना हो, उसके लिए आपको वो नहीं गिनने हैं, खाली श्लोका गिनना है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे इस चीज को लेते हो, टेकअप करते हो। सो भक्तामर गाथा नंबर 01 6 टाइम, दैट इज भक्ता हमारा प्रणतम औली मणि प्रभाणा। उसके बाद उवसग्ग हरम स्तोत्र 9 बार, 9 टाइम्स। आफ्टर दैट
भक्तामर की गाथा नंबर 41 या फिर जिसको 45 भी बोला जाता है, 48 गाथा वाले भक्तामर में, दैट इज उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाहा, वो आपको 6 times गिननी है, बोलनी है। फिर से ये जो संकल्प मैंने वर्ल्ड पीस हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए लिखवाया, इस 8 lines को 3 times बोलना है, रिपीट करना है, और एंडिंग फिर से 9 बार नवकार मंत्र से करना है। अब ये रिचुअल जब आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो हर प्रकार की खुशी और उन्नति सबके जीवन में आना शुरू होती है और इसकी इफेक्ट आप जरूर पाएंगे। तो इसको खास प्रयोग करें और अभी रियल में वर्ल्ड को जरूरत है हम सबकी एनर्जी की, तो जितना हो सके एनर्जी का योगदान दीजिए। तन मन और धन से हम सब योगदान देते हैं, पर हमें अब योगदान देना है ऊर्जा का योगदान। हम एनर्जी से सेवा करेंगे, हम एनर्जी से भक्ति करेंगे और हम एनर्जी से ही पूरी पृथ्वी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। सो खास आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास अगर 20 मिनट का टाइम है तो जरूर इस रिचुअल को मिनिमम आज से शुरू करते हुए 21 दिन तक फॉलो करें। राइट, सो ये हो गया वर्ल्ड पीस हेल्थ एंड हैप्पीनेस का भक्तामर हीलिंग का रिचुअल। और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण बात, भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 31 से 48। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा बहुत सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज बहुत क्लियरली लिखवाना भी चाहती हूँ और आप बहुत ध्यान से सुने कि गाथा नंबर पहली फर्स्ट से लेके 31 तक दोनों भक्तामर में सब कुछ चीजें सेम है। ठीक, आप श्वेतांबर हैं तो आप 44 नंबर की गाथा वाला भक्तामर गिनते हैं, तो भी 1 से 31 सब सेम है। आप अलग पंथ के हैं, स्थानकवासी, तेरा पंथी, दिगंबर, जो भी पंथ को आप फॉलो करते हैं, आपके पास अगर लॉन्गर लंबा भक्तामर है 48 नंबर की गाथा वाला, तो भी गाथा नंबर 1 से 31 यानी 1 to 31 ऑल आर से, उसमें कुछ भी अप्स डाउन्स नहीं है। फिर जो लॉन्गर भक्तामर है 48 नंबर की गाथा वाला, वहां पर बीच में 4 गाथाएं एड ऑन होती है, तो 32 से लेके 35 तक की वो गाथाएं अलग हो जाती है, और फिर 36 से अगेन जो 44 नंबर की गाथा वाला भक्तामर है उसी की गाथाएं कंटिन्यू होती है। और इसीलिए जब हम उद्भूत भीषण की बात करते हैं तो बोला जाता है कि 41 या 45। अंडरस्टूड? सो दिस वे आप कोई भी भक्तामर गिनो, अंत में सारे के सारे दादा आदिनाथ की स्तवना है, स्तुति है, काव्य है, तो उस काव्य का ही हमें पावर लेना है। बट हमें कंफ्यूजन नहीं होना है खुद के अंदर कि कौन सी गाथा गिनूं तो क्या होगा, इसलिए ये मैंने क्लियर आज फिर से एक बार किया है कि 31 नंबर की गाथा तक सब सेम है, बीच में 4 गाथाएं ऐड होती है और फिर अपना 48 नंबर तक की गाथा का भक्तामर बनता है। तो आज बात करनी है 31 नंबर चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है, स्किन डिजीजेस से प्रॉब्लम से छुटकारा होता है 31 नंबर की गाथा। फिर 48 का जो भक्तामर है उसके अकॉर्डिंगली 32 नंबर की गाथा गंभीर तार वाली गाथा, और गंभीर तार गाथा का जो पावर है वो पेट के रोग को निवारण करता है। तो 32 नंबर गंभीर तार संग्रहणी और पेट का रोग का निवारण, 33 मंदार सुंदर वो सर्व ज्वर निवारक, हर प्रकार का ताव इससे दूर होता है। शंबत प्रभा वलय वो जो 34 नंबर की गाथा है वो गर्भ संरक्षक है, मतलब बोलते हैं ना कि असमय में गर्भ गिरता नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो खास ये गाथा उसके लिए यूज होती है। एंड 35 स्वर्गापवर्ग गम मार्ग जो हर प्रकार के मारी मिर्की के जो भी उपद्रव है वो उपद्रव उस गाथा से दूर होते हैं। तो 32 से 35 नंबर की गाथाएं हो गई। अब वापस 44 के हिसाब से 32 अगर किने या फिर 36 तो वो है उन्नीद्र हेम नव पंगज पुंज कांति, उस गाथा का मुख्य उपयोग है या फिर मुख्य उसका डिवाइन पावर है कि
सुवर्ण का जो व्यापार करते हैं, जिनके खुद के कारखाने हैं, जिनका खुद का फैक्ट्रीज है, उनके लिए व्यापार के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति की गाथा। नेक्स्ट कीर्ति और यश में वृद्धि होती है 33 नंबर की गाथा से, और दुर्जन भी स्वजन हो जाते हैं, हमारी जीभ के अंदर मिठास आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन 34 या फिर 38, जिससे धन का लाभ होता है, और जो भी बहुत इगोइस्टिक पर्सन है वो भी धीरे धीरे वश में आता है। 35 या फिर 39 नंबर की गाथा, मार्ग में कोई भी प्रकार का हिंसक पशुओं का या फिर चोरी का भय नहीं रहता है, और लक्ष्य की प्राप्ति हमें मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट 40 नंबर की गाथा, अग्नि, हर प्रकार के अग्नि, फिर वो राग द्वेष का अग्नि हो, जलसी का अग्नि हो, या फिर वो अग्नि हमारे पेट के अंदर अल्सर की और जो पीड़ा रहती है वो अग्नि हो, हर प्रकार के अग्नि भयों का निवारक, यानी 36 या फिर 40 नंबर की गाथा। 37 नंबर की गाथा, सम्मानदायक, हर प्रकार के विष का निवारण जिससे होता है। 38 नंबर, युद्ध का भय निवारक और विजय की प्राप्ति, और हमारी कीर्ति चंद्रमा की चांदनी की तरह सीतड़ता से हर जगह पर फैलती है। देन 44 नंबर की गाथा, आपत्ति और समुद्र का भय का निवारण होता है। 45 जो मुख्य गाथा है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, हम लोग बहुत इसका पाठ करते हैं, इसके जाप भी आगे के दिन एक दिन हम रखने वाले हैं। तो 41 या फिर 45, हर प्रकार के मरणांत भयों में शांति मिलती है, हर प्रकार के उपसर्गों का नाश होता है, और हर प्रकार की व्याधि और पीड़ा उसका भी नाश। 41 नंबर की गाथा यानी कि उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। कोई भी गाथा आपको आए या ना आए, आज 12 दिन की हमारी पूरी मेहनत के बाद आप बोलो कि मुझे भक्तामर बहुत सीखना है, बट अब मैं क्या करूं, मुझे मुख्य मुख्य गाथाएं बताओ, तो अभी लिख लो, आपको 4 गाथा तो आनी ही चाहिए। फर्स्ट, सिक्स्थ, 26th, 41 एंड 44। ये 4 नहीं, 6 में 2 कड़म, 5 गाथाएं हो गई। 5 गाथाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए ही। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट गाथा, सिक्स्थ गाथा, 26th गाथा, 41 नंबर की गाथा एंड 44 स्तोत्रम स्त्रजः। ये 5 गाथाएं अच्छे से सबको पक्की करनी है। आगे टेस्ट भी लूंगी मैं सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कि हर प्रकार की व्याधि और पीड़ा का निवारण। नेक्स्ट गाथा, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति और किसी का भी भय नहीं रहता है हमको जीवन में। नेक्स्ट 43 नंबर की गाथा, विजय लक्ष्मी की प्रदायक, और फिर से अगेन हर प्रकार के बंधन और कोर्ट केस जिसका बहुत भयंकर तरीके से चलता है उसमें से भी मुक्ति इस गाथा से होती है। 16 नंबर की गाथा तो है ही जो मैंने बोली थी पहले, बट ये गाथा भी आपको बंधन से मुक्ति देती है। और अंतिम गाथा, मुख्य गाथा और महामंगलकारी जिसका विधान है, ऐसा स्तोत्रम स्त्रजः गाथा जो जीवन के अंदर लखलूट पुण्य की प्राप्ति देता है। कर्म की निर्जरा करनी है, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आत्मिक साधना। आज हमने सोल के बारे में बहुत सारी बात की है, तो हमारे सोल को अगर हमें प्योरिफिकेशन का एक आनंद देना है तो वो आनंद हम दे सकते हैं यूजिंग 44 स्तोत्रम स्त्रजः गाथा। हर प्रकार का मनोवांछित काम सिद्ध होता है। तो ऐसा उत्तम हमारा भक्तामर महास्तोत्र, और उत्तमोत्तम भक्ति भाव के साथ हम जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इस साधनाओं को कर रहे हैं, और आप सब बहुत 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 अच्छे से रोज जुड़ रहे हैं। उसके लिए फिर से एक बार तहे दिल से आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग ऑन फेसबुक। और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी ध्यान साधना के अंदर। आज हम वासुपूज्य स्वामी भगवान का जाप करने वाले हैं। वासुपूज्य स्वामी भगवान की ऊर्जा से हमारे जीवन के अंदर मंगल ग्रह का मंगल आशीर्वाद मिले, क्योंकि वासुपूज्य स्वामी भगवान मंगल ग्रह के स्वामी, और मंगल ग्रह जीवन में
जब मंगलकारी ऊर्जा देना शुरू करते हैं, मंगल ग्रह का आशीर्वाद जब हमें मिलना शुरू होता है, तो जीवन के अंदर सच में आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो चलिए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अपने अपने ध्यान की पोजीशंस में बैठ जाइए। आई रिक्वेस्ट माय टीम टू गेट अनम्यूट। अनुपमा बेन, सीमा बेन, मीना बेन, अंजना बेन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप सभी आंखों को बंद करते हुए, कमर से टट्टार, आपने अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मों को साइड में रख दीजिए। गहरी गहरी सांसों को लेना है और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी पहुंच रही है, बहुत शांति सब जगह पर पहुंच रही है और सबका मंगल वासुपूज्य स्वामी भगवान कर रहे हैं। इस भावना के साथ आज्ञा चक्र में वासुपूज्य स्वामी जी भगवान का ध्यान करें। कमर से टट्टार बैठते हुए शुरू करते हैं हमारा ध्यान। के अंदर थर्ड आई के ऊपर वासुपूज्य स्वामी भगवान को देखना शुरू करें। वासुपूज्य स्वामी की एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। फील करें उस एनर्जी को साउंड ऑफ साइलेंस के साथ। मन के अंदर शांति, मन के अंदर बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। इस वाइब्रेशन को, इस तरंग को महसूस करना शुरू करें। सातों के सातों चक्र मंगलता से पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले रहे हैं। मंगल ग्रह की मंगलमय ऊर्जा आप तक और आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और वासुपूज्य स्वामी को सतत 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 मन के अंदर देखते हुए, हे वासुपूज्य स्वामी भगवान, आपकी ऊर्जा से मेरे जीवन में बहुत अच्छी पॉजिटिव पावर्स प्रवेश कर रही है और जीवन सकारात्मकता से, आनंद से और खुशियों से भर रहा है। ओम रिम अरहम श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः। अरहम श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः। स्वामिने नमः। वासुपूज्य स्वामिने नमः। ओम रीम अरहम श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्रीवासुपूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री पूज्य वासु
गुरु स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य स्वामिने नमः। श्रीवास पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवास पूज्य स्वामिने नमः। श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवास्तु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। सतत 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 मन के अंदर वासु पूज्य स्वामी भगवान को देखते हुए मंगल ग्रह की मंगल ऊर्जा मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। मुझे बहुत पॉजिटिव पावर्स मिल रहे हैं और मेरे माध्यम से भक्तामर की भक्ति के साथ साथ हर एक जीव का शुभ हो रहा है, कल्याण हो रहा है और मंगल हो रहा है। इस भावना के साथ अंतिम बार मंत्रोच्चार करेंगे। ओम रेम अरहम श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीवासु पूज्य स्वामिने नमः। सतत सतत सतत
मन के अंदर वासु पूज्य स्वामी भगवान को देखते रहें, मेरी ऑरा स्ट्रांग बन रही है, मेरे अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति जागृत हो रही है और मंत्र जाप की ऊर्जा के माध्यम से, भक्तामर स्तोत्र की ऊर्जा के माध्यम से मैं स्वस्थ बन रहा हूँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशात्मुपगताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर त्वज तुल्य रूपाः। सतत पॉजिटिव पावर्स को अपने ऊपर बहने दें। शांति शांति शांति।
को रब करते हुए एनर्जी के फ्लो को अपने क्राउन चक्र से सभी चक्रास में पुट करें और आप आराम से आंखों को खोल सकते। प्रणाम। आज बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखते हुए समझते हुए आई होप ये सारा कुछ नॉलेज आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी चेंज लाएगा। और कल हमारी क्लास हम 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कल स्पेशल 15 मिनट्स आई एम कीपिंग फॉर क्वेश्चनर्स। तो आपको जो जो भी प्रश्न है, कल की क्लास 4 बजे से 5:15 5:15 तक रहेगी और 15 मिनट्स अंतिम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो जिसमें आपके अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को लेंगे। अदरवाइज आपको कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके आंसर देंगे। जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसी में से प्रश्न रहेंगे। तो आज डे नंबर 6 हमने बहुत अच्छे से, बहुत शांति से उसको ख़त्म किया है, पूर्ण किया है। एंड आई होप 6 दिन की हमारी इस जर्नी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। और नेक्स्ट 6 डेज आर देयर वेटिंग फॉर यू फॉर सो मेनी सरप्राइजेस। सो ज़रूर 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 आगे भी 6 दिनों के लिए रोज़ जुड़ते रहिए 4 से 5। फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग से ये पूरा लाइव प्रसारण चलता है और हमारी चैनल जैन हीलर पूजा शाह यूट्यूब के ऊपर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हुए चलिए आज हमारी पूर्णाहुति की प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद। श्री समण संघर्ष शांतिर्भवतु, श्री जन पदानां शांतिर्भवतु, श्री राजा दीपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौर जनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। खामे मि सव जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति मे सव भूयेषु वैरम जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। उपसर्गा क्षयं यान्ते छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणम् प्रधानम् जैनम् जयति शासनम्, जैनम् जयति शासनम्। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते खेलते रहे। कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अस्तु।